नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल और प्रस्तुत है आज के समाचार। 56 घंटे के बाद आज 3 दिन कुपवाड़ा एनकाउंटर खत्म, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए, जिनमें 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए हैं, जिनमें 3 CRPF और 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं। DIG उत्तर कश्मीर मोहम्मद सुलेमान चौधरी ने हंदवाड़ा एनकाउंटर पर मीडिया को जानकारी दी। देखिए, ये 28th और 1st मार्च की जो है मिडनाइट है, जिसमें एक इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी, कुछ जो टेररिस्ट हैं एक पर्टिकुलर हाउस में, वहाँ पर बाबगुंड में, वहाँ पर वो हाइड किए हुए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया बाई हंडवाड़ा पुलिस और 22 RR जो आर्मी की यहाँ पर यूनिट है, प्लस CRPF के साथ। तो जब ये सर्च पार्टी जब वहाँ पर अप्रोच कर रही थी, तो टेररिस्ट ने वहाँ से जो है फायरिंग शुरू कर दी, तो वहाँ पर जो है इनकाउंटर स्टार्ट हो गया। तो लगभग ये 3 दिन जो है इनकाउंटर चला है, जिसमें जो है हमारे जो है पुलिस के जो हैं 2 जवान जो है उसमें शहीद हुए, और CRPF के जवान जो हैं 2, एक इंस्पेक्टर था उसमें और एक कांस्टेबल था, जो कि इनिशली जो है वहाँ पर शहीद हो गए थे। तो आज जो था एक और जो है हेड कांस्टेबल हैं एसएन यादव, जो इसे कम कर गए हैं, जिनको इंजरी वहाँ पर उस वक्त हुई थी। तो इसमें जो है 2 टेररिस्ट जो हैं, जिनकी जो जिसमें इनकी जो डेथ हुई है, जो टेररिस्ट जो है उसमें एक की आइडेंटिफिकेशन जो हुई है, उसका नाम है काबुल्ला, तो कोड नेम इज काबुल्ला, और वो जो है रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो बाकी जो सेकंड वन है उसकी अभी आइडेंटिटी जो है वो अभी असर्टेन करनी है। नागरिकों की सुरक्षा के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पुंछ और पुलवामा आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान सीमा पर जबरदस्त तनाव है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा है और सीमावर्ती इलाकों को निशाना बना रहा है। इसके चलते सीमा पर राजौरी जिले के लिए 400 अतिरिक्त व्यक्तिगत बंकरों को मंजूरी दे दी गई है। PMO के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्य में मौजूदा स्थिति के बारे में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्र को जोड़ने वाली संगठन की तुलना राष्ट्र को तोड़ने वाले संगठन से नहीं की जा सकती, और कहा कि ऐसा वो लोग करते हैं जिन्हें RSS के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। पहली बात तो ये कि एक अलगाववादी संगठन की तुलना एक राष्ट्रवादी संगठन से करना, पहले तो ये कोई बात बनती नहीं। और जो लोग ये कहते हैं कि जमात की तर्ज पर RSS पर भी बंदिश लगाई जाए, प्रतिबंध लगाया जाए, वो शायद ये समझते ही नहीं कि RSS क्या है, क्योंकि इनकी परवरिश, इनका राजनीतिक शिक्षण प्रशिक्षण एक ऐसे वातावरण में हुआ है जहाँ किसी और तरह की ही बातें की जाती हैं, और जहाँ अलगाववाद को एक आदर्श के तौर पर देखा जाता है, जहाँ भारत को तोड़ने की बात होती है। ये कभी कल्पना कर ही नहीं सकते कि राष्ट्र सेवक संघ एक ऐसा संगठन है जिसके पीछे लगभग 100 वर्ष का इतिहास है, त्याग का, बलिदान का, मात्र और मात्र भारत की प्रभुसत्ता और राष्ट्रवाद को बनाए रखने के। शायद इनको इस बात का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ लोगों द्वारा अपने ही देश का विरोध करने और राष्ट्र के समक्ष चुनौती बताते हुए कहा कि मोदी विरोध की जिद में देश हित का विरोध मत करिए। मोदी ने कहा कि देश में आज एक चुनौती है कि कुछ लोगों द्वारा अपने ही देश का विरोध किया जा रहा है। आज जब पूरा देश सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, तो कुछ लोग सेना पर ही संदेह कर रहे हैं। आतंकवाद के मसले पर मोदी सरकार का सख्त रुख, पाकिस्तान के खिलाफ तो दुनिया देख रही है, लेकिन देश के भीतर नफरत की आग लगाने वाले अलगाववादियों के खिलाफ भी ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी संगठन जमात इस्लामी पर बैन के बाद उनके ठिकाने पर लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन हुर्रियत नेताओं में हुनर देखने वाली PDP को बुरा लग रहा है, लिहाजा वो लाल चौक पर जमात इस्लामी पर कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। वहीं शनिवार को संगठन से जुड़े कई बैंक खाते सील किए गए हैं। संगठन के 70 बैंक खाते रडार पर हैं। इन खातों में लगभग 50 करोड़ रुपए जमा बताए जा रहे हैं। शनिवार को भी पुलिस ने जमात इस्लामी के कई नेताओं को गिरफ्तार किया। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने इस जंग को और तेज कर दिया है। भारत पाकिस्तान के रिश्तों में भी तनाव बढ़ गया है। ऐसे में पाकिस्तान ने नए नए पैंतरे अपनाना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान आर्मी और ISI एक बार फिर जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश रच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों के राशन स्टॉक में जहर मिलवाने का प्लान तैयार किया जा रहा है।
भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाली समझौता एक्सप्रेस एक बार फिर शुरू होगी। पिछले दिनों दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के चलते इस ट्रेन को दोनों तरफ से रद्द कर दिया गया था। आज 3 मार्च से ये ट्रेन पुरानी दिल्ली स्टेशन से फिर रवाना होगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर करारा हमला करते हुए कहा कि पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के शिविर पर भारतीय वायुसेना के हवाई हमले पर सवाल उठाने वाले को देशद्रोही कहा जा रहा है। महबूबा ने हालांकि कहा कि विपक्षी दलों को भाजपा के जाल में नहीं पड़ना चाहिए और बेरोजगारी और किसान संकट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित रखने की कोशिश करनी चाहिए। इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर अभिनंदन का MRI स्कैन रविवार को दिल्ली कैंटोनमेंट के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में किया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि स्कैन से पता चला है कि विंग कमांडर अभिनंदन की रीढ़ और पसलियों में गंभीर चोटें हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 24 फरवरी को मुठभेड़ में मारे गए जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों में एक फिदायीन था। उसकी साजिश पुलवामा जैसे बड़े आतंकघाती हमले को अंजाम देने की थी। सोशल मीडिया पर शनिवार को वायरल हुए एक वीडियो में साजिश के बारे में आतंकी बात करते हुए दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में कारगिल के बटालिक सेक्टर में शहीद हुए सेना के जवान को शनिवार को सेना की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को बटालिक सेक्टर में ड्यूटी के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आने से नायक कुलदीप सिंह शहीद हो गए। वह पंजाब के अमृतसर के रहने वाले थे। रियासी में शिवखोड़ी धाम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अपने में विशेष स्थान है। विश्व प्रसिद्ध अमरनाथ की पवित्र गुफा की भांति ही लाखों शिव भक्त प्रतिवर्ष शिवखोड़ी में भोले बाबा के दर्शन करने आते हैं। यहाँ शिवरात्रि पर 3 दिन तक मेला लगता है। 3 किलोमीटर लंबा रास्ता भोले बाबा के जयकारों से गूंज उठता है। 3 से 5 मार्च तक लगने वाले मेले में देश भर में भोले बाबा के भक्त आते हैं। शिवरात्रि मेले का उद्घाटन डिविजनल कमिश्नर संजीव कुमार वर्मा करेंगे। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग फिर हुआ बंद, हजारों यात्री उधमपुर में फंसे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं द्वारा उधमपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे हुए यात्रियों को चाय और नाश्ता परोसा गया। PP न्यूज लाइन के आज के अंक में बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए PP न्यूज लाइन। नमस्कार। Are you suffering from any type of skin disease? Do you lose your confidence because of your baldness? Do you want to remove your tattoo, unwanted hair or black moles without any surgery? So here is Shine and Glow Laser Aesthetic and Cosmetic Cleaning.